बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील फ्रॉम बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर? We will learn this chapter to understand the communication devices and physical transmission media. Watch this video till end. Communication devices क्या हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर करने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये तमाम हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसकी टाइप्स देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्क्स आर फर्स्ट डायलअप मॉडेम, सेकंड नेटवर्क कार्ड्स। फर्स्ट है डायलअप मॉडेम। डायलअप मॉडेम जो है इसके अंदर मॉड्यूलेशन है और डी मॉड्यूलेशन है। सबसे पहले मॉड्यूलेशन को देखते हैं। डायल अप मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो यूजर को कंप्यूटर के जरिए एनालॉग फोन लाइंस पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने की सहूलत देता है। ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है। लव्स मॉडेम दरअसल एक एब्रीवेशन है जो दो लफ्जों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना है। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है मो और डैम, इसे मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है क्योंकि ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। मॉड्यूलेटर का मो और डीमॉड्यूलेटर का डैम, तो ये इस तरह से इसका नाम मॉडेम पड़ा था। एक मॉडेम कंप्यूटर से डिजिटल डेटा रिसीव करता है, इसे एनालॉग वेव्स में तब्दील करता है और फिर इस डेटा को टेलीफोन लाइंस पर मुंतकिल करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। टेलीफोन लाइंस पर डेटा की तब्दीली को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब चलते हैं डीमॉड्यूलेशन पर। रिसीव करने वाला कंप्यूटर या डिवाइस पर मॉडेम एनालॉग वेव्स को रिसीव करता है, इन्हें डिजिटल डेटा में चेंज करता है और इसे रिसीव करने वाली डिवाइस तक, यानी कि रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचाता है। तब्दीली की इस किस्म को, इस टाइप को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉडेम किस तरह की होती है। एक होती है इंटरनल मॉडेम और एक है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल अंदरूनी, यानी जो अंदर की तरफ फिक्स होती है, और एक्सटर्नल जो है इसकी लुक है जो बाहर से जो है कनेक्ट होती है। अब इसको देखते हैं। एक मॉडेम या तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है और दोनों ही मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं। अब इंटरनल मॉडेम का काम क्या है? इंटरनल मॉडेम मदरबोर्ड पर फिक्स होती है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम को सिस्टम यूनिट से दूर रखा गया है। यानी जिस सिस्टम यूनिट क्या है, CPU जिसे कहते हैं हम, ये तार के जरिए मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, यानी कि बाहर से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है नेटवर्क कार्ड। एक नेटवर्क कार्ड हार्डवेयर का ही एक हिस्सा है। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है नेटवर्क कार्ड जो कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में हिस्सा लेने की इजाजत देता है, परमिशन देता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर या लैन
एडाप्टर भी कहा जाता है। नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर और नेटवर्क के केबल के दरमियान फिजिकल कनेक्शन का काम करता है। एक नेटवर्क कार्ड एक्सपेंशन कार्ड की शक्ल में है। ये मदरबोर्ड पर एक एक्सपेंशन स्लॉट में दाखिल किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। लैन में रापता कायम रखने के लिए इसमें लैन पोर्ट है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक लैन पोर्ट है हमारे पास, जिसे मॉडेम पोर्ट भी कहा जाता है। मॉडेम से एक तार मॉडेम पोर्ट में फिक्स की गई है। केबल के थ्रू हम अपना कनेक्शन करते हैं, ठीक है। नेटवर्क कार्ड का मकसद नेटवर्क पर डेटा की मुंतकिली, यानी के उसे जो ट्रांसफर करते हैं हम डेटा को, डेटा की मुंतकिली की तैयारी और उसे भेजना और कंट्रोल करना है। ये किसका मकसद है? नेटवर्क कार्ड का। एक नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर से डेटा रिसीव करता है। इस डेटा को इस शक्ल में तब्दील किया जाता है जो नेटवर्क केबल्स के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। रिसीविंग कंप्यूटर पर मौजूद नेटवर्क कार्ड ये डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, ये दोबारा इस डेटा को इस शक्ल में तब्दील करते हैं जिसे कंप्यूटर रिसीव कर सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेटवर्क कार्ड। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को देखते हैं। वर्ल्ड मीडिया, जिस पर किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर के दरमियान डेटा ट्रांसमिशन होती है, एक दूसरे से राबता होता है, इसे ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। इसकी सबसे आम सी जो टाइप है वो कौन कौन सी है, वो तीन है। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये जो येलो पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सेकंड पिक्चर है कोएक्सल केबल की, और थर्ड पिक्चर है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब वन बाय वन हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल, तो हम ट्विस्टेड पेयर केबल की तरफ चलते हैं। ये एक सिंगल केबल है जिसमें तांबे की तारों के बहुत से पेयर्स एक दूसरे के गिर्द मुड़े हुए होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल दो किस्म की होती हैं। पहले तो हमारे पास थी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, उसमें सबसे पहले थी ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की भी दो किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और नंबर टू है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को देखते हैं। इस केबल में एक कंडक्टर को इंसुलेटेड लेयर से घेर लिया जाता है, ठीक है, लिपटा होता है उससे, उसके इर्द गिर्द होता है। ये एक तार बनाता है। इस तरह की दो तारें पेयर बनाती हैं, यानी कि जोड़ा बनाती हैं। ये पेयर एक साथ मिलकर मुड़ जाता है, यानी कि ट्विस्ट हो जाता है, और धारती ढाल यानी कि मेटल शील्ड, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है लफ्ज मेटल शील्ड, और मेटल शील्ड से ढक जाता है, कवर हो जाता है उससे, मेटल शील्ड से। ये शील्ड वायर्स को, तारों को आउटवर्ड इंटरफेरेंस से बचाती है ये तार, ठीक है। आउटवर्ड इंटरफेरेंस यानी कि बैरूनी मुदाखलत, कोई मतलब रोक टोक, ठीक है, उससे बचाती है। मल्टी शील्डेड पेयर, जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर लाइन नंबर 4 में नजर आ रहा है, मल्टी शील्डेड पेयर की शक्ल में फॉर्म होते हैं। ये सब फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बना देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह है, इसमें सिर्फ एक फर्क है, ये कवर नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर छोटा सा फर्क था। अब हम इसके एडवांटेजेस
की तरफ चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। हम एडवांटेजेस किसके पढ़े हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल के। नंबर वन है, ट्विस्टेड पेयर केबल को इंस्टॉल करने के लिए कम जो है आपका, आपकी लागत आती है कम। और नंबर टू है, ये आसानी से मार्केट में दस्तयाब है। पॉइंट नंबर थ्री है, इसका एडवांटेज जो है, इसे तब्दील करना आसान है, ठीक है। और एडवांटेज नंबर फोर है, ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से कम मुतासिर होती है ये। इसके बाद हम देखते हैं नंबर टू, कोएक्सल केबल। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर कोएक्सल केबल का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा है कि किस किस चीज से बनी हुई है। इसके पीछे जो है सिल्वर कलर में, इसे कहते हैं आउटसाइड इंसुलेशन। और ये जो गोल्डन और ब्राउन सा कलर नजर आ रहा है, ये है कॉपर मैश, और ये कॉपर कलर है। और ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये यहां से होती है इंसुलेशन। और उसके आगे जो गोल्डन कलर नजर आ रहा है, ये है कॉपर वायर। ये हमने आपको इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाया, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, कोएक्सल केबल है क्या एक्चुअली। एक इंसुलेटर और घरेलू शील्ड की तरह एक तांबे की तार जो किसी दूसरी इंसुलेटेड लेयर में बंद है, इसको कोएक्सल केबल कहा जाता है। सेंट्रल कॉपर वायर डेटा ट्रांसफर करती है, यानी कि मुंतकिल करती है। अपर शील्ड आउटसाइड इंटरफेरेंस से महफूज रखती है। अच्छा, कोएक्सल केबलिंग केबल टेलीविजन इंडस्ट्री के जरिए इस्तेमाल होने वाली केबलिंग की बुनियादी किस्म है, ठीक है। और बड़े पैमाने पर कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी इस्तेमाल होती है कोएक्सल केबल, ठीक है। अगरचे मयारी टेलीफोन तार से ज्यादा महंगी है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इससे स्टोर कम होता है और ज्यादा डेटा ले जाया जा सकता है। स्टोर कम होता है और ज्यादा डेटा को हम लेकर जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा हमारे पास अगर कोएक्सल केबल होंगी तो हमारा डेटा ज्यादा एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सल केबल। एडवांटेज नंबर वन या टू देखने से पहले हम इसकी पिक्चर पर नजर डालते हैं। ये है इसकी मुकम्मल तस्वीर। इस ब्लैक कलर को कहते हैं प्लास्टिक जैकेट, और ये सिल्वर कलर में है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ये जो सुराख है, ठीक है। और जो रेड कलर में है स्टार्ट में सिल्वर से पहले, ये है मेटालिक शील्ड। और लास्ट में जो है ये है सेंटर कोर। अब हम इसका पहला फायदा देखते हैं, कोएक्सल केबल कई फ्रीक्वेंसीज को संभाल सकते हैं। नंबर टू, इससे वो बेशुमार चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, इसकी परफॉर्मेंस ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत बेहतर होती है, ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा अच्छे होते हैं कोएक्सल केबल। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। पेज नंबर 9 और 10 आपकी बुक का है। ऑप्टिकल फाइबर्स शीशे या प्लास्टिक के बाल की तरह पतले धागे होते हैं, ठीक है, हेयर थिन थ्रेड्स, जो डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये लाइट के सिग्नल्स ट्रांसफर करता है। इस तरह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसफर करने वाली कॉपर वायर्स या कोएक्सल केबल से मुख्तलिफ होते हैं। प्लास्टिक फाइबर सस्ते, खुरदरे और कम से कम मौसर होते हैं। ग्लास फाइबर बहुत छोटे होते हैं और इनसे कम से कम डेटा लॉस होता है, यानी के आपका डेटा वेस्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर की
सेंडर साइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव्स में चेंज करता है। ये लाइट वेव्स तब ऑप्टिकल फाइबर पर रिसीवर के एंड पर मुंतकिल होती हैं, यानी कि ट्रांसफर होती हैं। रिसीवर साइड लाइट वेव्स को डिटेक्ट करता है, यानी कि इसकी शनाख्त करता है और इन्हें वापस बिजली के सिग्नल्स में तब्दील कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। अच्छा, एक एम्पलीफायर तब बिजली के सिग्नल्स को बढ़ाकर रिसीवर को भेज देता है। तो ये थी फाइबर ऑप्टिक केबल। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के कुछ फवाइद हैं जो यहाँ स्क्रीन पर मैंने मेंशन किए हैं। नंबर वन है, फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा की बहुत बड़ी मिकदार को बहुत ज़्यादा फासले से बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। ये कोएक्सल केबल की निस्बत डेटा की मिकदार को 10 से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू है, इसमें लाइट के जो सिग्नल्स हैं, रोशनी के सिग्नल्स और बिजली के सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रैवल करते हैं, यानी कि सफ़र करते हैं। लिहाजा फाइबर ऑप्टिक केबल एक निहायत तेज़ रफ्तार ट्रांसमिशन मीडियम है। जो हमने पहले पढ़े हैं दो, उनकी निस्बत फाइबर ऑप्टिक जो है वो केबल, ये केबल्स ज़्यादा तेज़ स्पीड में काम करती हैं। पॉइंट नंबर थ्री है, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास प्लास्टिक से बने हैं, लिहाजा ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से मुतासिर नहीं होते, यानी इन्हें कोई इन पर असर नहीं होता। ये इंटरफेरेंस दूसरे मीडिया में गलतियों का सबब बनती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स तांबे या कोएक्सल केबल के मुकाबले में, तांबा यानी कि कॉपर, इनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा छोटे और हल्के होते हैं, ठीक है। इनका वेट बहुत लाइट होता है। ये अपने छोटे साइज से दूसरे मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा डेटा मुंतकिल कर सकते हैं, यानी कि ये डेटा बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर फाइव है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल डिवाइस को मुंसलिक करना इंतहाई मुश्किल और महंगा है। मुंसलिक करना यानी कि अटैच करना, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं, यानी कि महफूज हैं। पॉइंट नंबर सिक्स है, इसमें चिंगारी का कोई खतरा नहीं है। जिस जगह बिजली के कंडक्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स गैर महफूज हों, वहाँ भी इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आपको इससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक का इतना उसका कोई इसका चांस नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेवन है, इसका एडवांटेज नंबर जो सेवन है वो है, फाइबर ऑप्टिक केबल एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स को रोशनी की शक्ल में, यानी कि लाइट वेव्स की शक्ल में, सूरत में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए खसूसी जांच की डिवाइसेस, स्पेशल यानी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये आलात भी महंगे होते हैं, ठीक है, ये डिवाइसेस भी एक्सपेंसिव हैं। ऑप्टिकल फाइबर बहुत नाजुक होते हैं और तेज़ कोनों से मुड़ नहीं सकते। अच्छा, पॉइंट इसका ये डिसएडवांटेज है। पॉइंट नंबर थ्री है इसका, दो फाइबर ऑप्टिक केबलों को सीध में लाना, यानी कि इसको सीधा करना और इनको जोड़ना सादा और आसान नहीं है, यानी कि बहुत टफ है ये। इसके लिए खसूसी आलात यानी के स्पेशल इक्विपमेंट
की जरूरत है। तो आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन का याद करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है। हमारा लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का यहीं ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।